नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं 22 प्रोग्रामर का एक सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूं, जो सॉफ्टवेयर करने पर हमारे कुछ आईसीओ पर एरर आता है। तो यहां पर देखिए आईसी डिटेक्ट हो चुकी है, तो लाइव प्रूफ करके बता रहा हूं। यहां पर आपको आईसी डिटेक्ट और ये एरर आ रहा है, देख लीजिए। इस प्रकार के एरर आपको बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स की आईसी सॉफ्टवेयर करने में दिक्कत आएगी, ब्लैंक नहीं होगी, एरर्स नहीं होगी, राइट नहीं होगी। यहाँ पर मैं सब कुछ करके बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये फाइल ओपन कर ली है और राइट कर रहा हूँ, तो राइट नहीं हो रही है ऑटो करके। तो ये सॉफ्टवेयर की समस्या है। तो आज मैं एक न्यू सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ, जिस सॉफ्टवेयर से आप कोई सी भी आईसी पे अगर एरर आ रहा है तो वो एरर नहीं आएगा और आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से 22 प्रोग्रामर के जरिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम खोल लेते हैं वो सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर देखिए लुक बहुत ही अच्छा है और अच्छा फील कराता है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो फाइल हम उधर से कर रहे थे, तो यहाँ से हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं राइट करता हूँ, तो राइट होती है या नहीं होती है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट होने लगी है, तो इसका मतलब ये हमारा सॉफ्टवेयर डलना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ वेट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर यहाँ से डल जाएगा। जब तक आप एक काम कीजिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा देना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा अभी। तो हमारी ये 4 MB की फाइल है, 3015 DLX जो आया था डिलोज का, उसका सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं 22 प्रोग्रामर से। तो समस्या केवल यही आ रही है इसमें कि हमारी जो आईसी है वो लगी हुई सही है। बहुत से लोग बताते हैं 5 नंबर पॉइंट काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, या फिर सही से नहीं लगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी सॉफ्टवेयर का इशू भी रहता है, तो वो सॉफ्टवेयर करने से हमारी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइल राइट हो चुकी है और थोड़ी देर बाकी है। तो यहाँ पर देखिए राइट हो चुकी है और कुछ आवाज़ भी आई होगी आपको, तो इस तरीके से आवाज़ इसमें आती है। और यहाँ पर राइट करने के बाद अब मैं इसको एरर्स करके भी बताऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एरर्स तो किया ही नहीं है इस सॉफ्टवेयर से, तो इस सॉफ्टवेयर से एरर्स होता है या नहीं होता है, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एरर्स करता हूँ, तो एरर्स हो रहा है, पूरी आईसी खाली हो रही है। तो वेट करते हैं, खाली होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल पूरी डिलीट हो चुकी है आईसी के अंदर जो डली हुई थी। तो हम देख लेते हैं इसको एक बार और, आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर डालकर। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम सारे ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं सॉफ्टवेयर में। ज़्यादा कुछ नहीं आते, उसी जैसे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की खासियत केवल इतनी है कि इसमें फाइल राइट हो जाती है, जो एरर उस सॉफ्टवेयर में आता है वो इस सॉफ्टवेयर में एरर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम दोबारा से राइट कर लेते हैं, तो राइट करने में फिर टाइम लगेगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा न्यू चैनल जॉन इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके जॉन इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको उस चैनल पर मिलने वाली है। तो अभी तक आप सैटेलाइट रिलेटेड जो भी वीडियो देखते थे, डिश एंटीना DTH रिलेटेड, तो लेकिन कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं तो आप YouTube में जाएंगे तो जॉन इन्फो नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि हमारा चैनल का लोगो अम्ब्रेला से है, तो अम्ब्रेला आपको दिख जाएगा, तो उससे आप समझ ही जाएंगे कि हमारे चैनल यही है, और आप मुझको तो आप जानते ही हैं, तो आप देख ही लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हो रही है, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। एक बार दोबारा से राइट कर रहा हूँ इसको आईसी को। तो इस सॉफ्टवेयर की खासियत केवल इतनी है दोस्तों कि ये बहुत सी आईसियाँ जो ओल्ड सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाता था या फिर एरर देता था, तो उस सॉफ्टवेयर से अच्छा है ये सॉफ्टवेयर कि इसमें क्या है, हम सारे सॉफ्टवेयर अपनी आईसी में कर सकते हैं 22 प्रोग्रामर के जरिए। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम सोचते हैं कि कुछ आईसी में फॉल्ट है या आईसी ख़राब हो चुकी है या फिर हमारी आईसी सही नहीं लगी है, हमने सोल्डरिंग जो की है आईसी पर वो सही नहीं हुई है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है, हमारे सॉफ्टवेयर का भी फॉल्ट हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप ये काम कर लीजिए, ये न्यू सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करें। तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस बंदे को भी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकता है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जी, आईसी
को राइट करने के लिए और रीड करने के लिए सब कुछ इसमें जो उस जैसा ऑप्शन है वही इसमें है, बस थोड़ा इसमें लुक अच्छा दिया है और सपोर्टेड ज़्यादा है, ये सारी आईसियाँ सपोर्ट करता है, चाहे आपकी सेट टॉप बॉक्स की हो, टीवी की हो और अन्यथा और किसी डिवाइस की भी आपकी आईसी हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है तो हम इंतजार नहीं करते, हमने राइड करके पहले ही बता चुके थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन एक बार और बोल देता हूँ, कर दबा देना और बेल आइकन जरूर दबा देना और ऑल बटन कर देना, जिससे कि आपको सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक्स।